यार 2 बज गया है और मेरा अभी तक 2 चैप्टर भी नहीं हुआ है। नहीं चेयर मुझे डिग्री विग्री, इंसान को औकात देख के बात करनी चाहिए। बहुत शौक था ना कॉलेज के बाहर खड़े रहकर छपरी गिरी करने का। मम्मी ने बोला था लेक्चर बैठ, पर नहीं, मैडम को तो पूरे दिन कैंटीन में बैठ के चाइनीज भेल खाना है और क्यूट लड़कों को स्टॉक करना है। आई बड़ी, वो देखते भी नहीं है तेरे पास। व्हाट यार। अबे कैंटीन वाले का उधार भी बाकी है, पर एक तो वो साला चाय के नाम पे पानी बेचता है और एक बार तो वड़ा पाव में मच्छर भी आ गया था जो मैंने खा भी लिया था। वैसे उसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं था, पर फिर भी यार। एडवर्टाइजिंग इज द की टू ग्रेट बिजनेस, एडवर्टाइजिंग इज द की टू ग्रेट बिजनेस। हाय गाइस, ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी फावी हो रही है। फावी हो रही है, पागल लड़की कॉन्सेंट्रेट कर यार, फिर पार्टी नहीं पिटाई होगी, पिटाई तेरी माँ ही आएगी तेरी पिटाई करने। आई बड़ी पारी हो रही है, चुपचाप पढ़ाई कर पागल लड़की। अभी यशराज मुखाटे को क्या ओवरनाइट फेम मिल गया ना? लेकिन यशराज मुखाटे का सरनेम यशराज मुखाटे है कि मुखते है कि मुख काटे है? मुख काटे तो नहीं होगा, पर तुझे क्या करना है, उसको कोई भी सरनेम रहने दे यार, तू पढ़ाई कर रहे, तेरे को कौन सा उससे शादी करनी है पागल लड़की। अगर मुझे ASM में KT लगा तो मैं नेक्स्ट ईयर तो पहुंच जाऊंगी ना। अबे फर्स्ट ईयर का भी 2 KT है, क्रॉस KT लग जाएगा। अबे यार मैं तो फेल हूँ पक्का ये साल में। मुझे माफ करना ओम साई राम। माँ का मोगरा, BMM में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डालने की जरूरत क्या है? पॉलिटिकल साइंस, साइंस और मास मीडिया का रिलेशनशिप क्या है, मतलब क्या है? कैसे अजीब लोग है यार, मेरे से कंसल्टेशन ले लेते, मैं इससे बेटर कंसल्टेशन दे देती यार। वॉट यार, पढ़ना तो मुझे पढ़ रहा है ना। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, अरे ये तो हैरी पॉटर का बुक है। पागल तू ये लेके क्यों बैठी है? उठ नींद से, उठ पागल, उठ, चल उठ, उठ उठ उठ, चल उठ उठ। केटी तो लगने वाली है। केटी का फॉर्म वैसे 500 रुपए का आता है, घर पे बोलूंगी 1000 का है। अगर मैं इस साल में फेल हो गई तो मम्मी तो वाट ही लगा देगी यार, चप्पल झाड़ू जूते लात मुक्का। बाप रे, पढ़ाई कर लेती हूँ। आइडिया, क्लास में चक्कर आने का एक्टिंग कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। विक्रांत कितना क्यूट दिखता है यार, वैसे वो सिंगल होगा क्या? लास्ट टाइम उसके सामने कूल बनने निकली थी, फालतू में कैंटीन में सबके सामने गिर गई मैं। पागल ही हूँ मैं यार, क्यों फालतूगिरी करने निकलती हूँ, अब तो भाव भी नहीं देता। यार ये कौन से कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? हाँ मेरे कॉलेज में तो नहीं होती ऐसी कोई कूल चीज है। ऊपर जो प्यून का शक्ल इतना सड़ेला होता है, साले को एक दिन गोनी में भर के ऐसा धोपतूंगी ना, हर बार मेरी चुगली करता है, मतलब हर बार। उसका क्या जाता है कि मैं कॉपी करती हूँ? हाँ मैं कुछ भी करूँ अपने लाइफ में, ब्लडी इडियट। ये सब्जेक्ट में मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं, वो चुड़ैल तो मुझे फेल ही करने वाली है। यार मैं जो भी स्किप करती हूँ हमेशा वही आता है एग्जाम में, कितना फुटेला नसीब है यार मेरा। ऐसे राजू सर और प्रिया मैम का सच में कोई अफेयर है क्या? मुझे तो नहीं लगता, पर राजू सर हमेशा प्रिया मैम के नाम से शर्माते हैं। #hashtag राजू प्रिया #hashtag प्राजू। यार लोग टेक्स्ट बुक में इतना क्या हाईलाइट करते हैं, मुझे तो आज तक वो हाईलाइटर का यूज भी नहीं समझ में आया है। अबे लोग तो अलग अलग कलर का पेन भी यूज करते हैं, लॉल ब्लडी लूजर्स। लेजेंड्स तो वो होते हैं जो पूरा साल किसी और के पेन से चलाते हैं। यार ये एग्जाम लिखते वक्त इतना गर्मी होता है ना, कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए था। हाँ क्या, तेरी माँ ने तेरे लिए वहां पे सीट निकाल के रखा है कि तेरे बाप ने? बड़ी बड़े कॉलेज जाना चाहिए था, पढ़ाई कर चुपचाप। एक काम करती हूँ, आधे आंसर मैं हाथ पे लिख लेती हूँ और आधे आकांक्षा को लिखने बोलती हूँ। एक तो लास्ट टाइम फोन लेके मैं बैठी थी, उसने मेरे से कॉपी किया और केटी मुझे लगा और उसने टॉप मार लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट द फ्रीक। वैसे साहिल का बच्चा कुछ पढ़ाई तो करता नहीं है, पूरे दिन तो उस ईशा के पीछे भागता रहता है और फिर भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है, पक्का चिट लेके बैठता होगा, ब्लडी चीटर। यार वो राजू सर नहीं आने चाहिए यार, एक तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऊपर से लास्ट टाइम थूक थूक के मेरा पूरा पेपर गीला कर दिया था। एयू, अबे सारे टीचर्स को BMM से प्रॉब्लम क्या है? हाँ BCom वालों को तो कुछ नहीं बोलते, वो लोग तो उड़ा उड़ा के चिट्स फेंकते हैं, चिट्स की बरसात कर देते हैं। एक बार तो मेरे ही सर पे आके चिट गिर गया था, लास्ट टाइम वो BMS के इब्राहिम ने तो उसके दोस्त को चिट फेंकने के बदले टीचर के ऊपर चिट फेंक दिया था। वो पागल टीचर को पता भी नहीं था कि एंड तक उसके बाल पे चिट अटका हुआ था और पीछे मुड़ के बोलती है, ओह माय गॉड दिस BMM इज सो हॉरिबल, BMM इज द वर्स्ट, BMM तो बहुत फालतू डिपार्टमेंट है। अगले बार उसको BMM से हेल्प लेने आने दे, फोटोशॉप करके उसकी शक्ल बंदर से रिप्लेस कर दूंगी। हाँ केटी तो वैसे भी लगने वाली है,
बहुत नींद आ रही है यार, 5 मिनट का नैप ले लूँ क्या? चल ले ही लेती हूँ, वैसे भी क्या करना है। पर नासे ढोल क्यों बज रहा है? सुबह हो गई, एग्जाम का टाइम भी हो गया। फक! अरे पर एग्जाम तो ऑनलाइन है, तो टेंशन क्या है? March is here and you know what? I don't have to give exams. खुशी के आंसू आ जाएंगे मुझे तो। रोना पागल रोना, दिखाना तो पड़ेगा कि तू खुश है। And you know who has to give exams? You. I'm sorry, I'm not laughing at you. Please don't unsubscribe to the channel. Unsubscribe. Unsubscribe. Unsubscribe to the channel. I'm just kidding. But if you guys like this video, please like the video, comment on the video, let me know which part was your favorite part, apart from me being your favorite. Okay, just stop acting self-obsessed, bitch. And do subscribe to my channel, The Controversial Kid. Bye.